कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है, किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उत्तंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। महावीर हमारे सबके आराधनीय हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे जय जयकार लगाओ, मेरे नाम के पर्दे लगाओ, क्योंकि हम सब एक हैं। भगवान महावीर ने कहा, एका मनुष्य जाय, मनुष्य जाति एक। जिस महावीर ने प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना की, प्राणी मात्र क्षमा का बोध दिया, चाहे चंड कौशिक आए, चाहे अर्जुन माली आए, चाहे संगम देव आए, चाहे कानों में कीले ठोकने वाले भी आए, उस प्रभु महावीर की कितनी करुणा और मैत्री का बोध पाकर के भी हम महावीर की वाणी को नहीं समझ पाए तो कब समझेंगे। आज महावीर एक तरफ पूरा विश्व है, एक तरफ महावीर खड़े। आप किसको चुनाव करेंगे, महावीर को या विश्व की समृद्धि को? बोलो, किसको चुनाव करोगे? अरे महावीर का चुनाव करना है कि महावीर की साधना जो इस धरा पर लुप्त सी हो गई है। आप सभी जानते हैं कि भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक ध्यान किया, जानते हो? महावीर 12.5 वर्ष तक बोले नहीं, ये भी जानते हो? महावीर ने कभी अपना परिचय नहीं दिया कि मेरे पिता सिद्धार्थ हैं, मेरी माँ त्रिशला है, मैं राजकुमार हूँ, मैं राजपाट छोड़ के आया हूँ, महावीर ने कभी कहा? फिर हम अपना परिचय क्या देते हैं, मैं उस परंपरा से हूँ, मैं उस खानदान से हूँ, मैं 5 समैके करता हूँ, मैं 5 ठाइयाँ कर ली, मैंने इतना दान दे दिया। महावीर को समझो। महावीर को समझने के लिए एक ही बात है कि महावीर ने हमें आत्मा का बोध दिया। 2 वस्तुएं हैं, एक है शरीर और एक है आत्मा। हमने आज तक आत्मा की बात सुनी नहीं, हमने आत्मा की चर्चा की है, आत्मा के गीत गाए हैं, परंतु आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैंने जाना कहां है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, बस 4 बातें सीख लो आप, सब कुछ जान लोगे। और 4 बातें नहीं सीखी तो क्या होगा, तुम भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, अमेरिका के बन जाओ तो क्या होगा, 10 साल तक बन जाओगे, ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म मिलेंगे, फिर क्या होगा, फिर कुर्सी खाली हो जाएगी, फिर तुम्हें कोई नहीं पूछेगा ये कुर्सी कब की है, वो भी परे भाग्य से मिले या ना मिले, कितना संघर्ष करना पड़ता है। और भगवान महावीर ने कहा, तुम परमात्मा बन सकते हो, तुम सीधा ले जा सकते हो, तुम केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, जो मुझ में है वो तुम में है, कोई अंतर ही नहीं। तो क्या उस खजाने को आप नहीं पा सकते, बोलो? उस खजाने को पाने के लिए हम आपसे कितना समय मांगते हैं, केवल 6 घंटे, ज्यादा नहीं, 6 घंटे, और उसके बाद 4 दिन। क्या आप 6 घंटे नहीं दे सकते? मैं आपसे पूछता हूं, उसका स्वाद तो एक बार चख लो। आज भी आपने 6 घंटे दे दिए, इतनी दूर से हम चल के आए, 6 घंटे लगा दिए आपने, तो 6 घंटे मेरे लिए नहीं, आप स्वयं के लिए दो, अपने लिए दो। और जिन्होंने 1 दिन का शिविर नहीं किया करके देख लो, और यदि आपको अच्छा लगे हमारे पास कभी ना आना, और अच्छा लगे आप अपने आप आओगे। हम आपको प्यार भरा निमंत्रण देते हैं, आपने हमारा स्वागत किया, हम आपका स्वागत किससे कर सकते हैं, आपने जयकारों से किया, जयकारे तो चले जाएंगे, रह जाएंगे। हम आपको जो महावीर ने हमें दिया, जो धर्म ने दिया, जो अरिहंत परमात्मा ने दिया,
वो हम आपको उस रस के लिए केवल निवेदन कर सकते हैं कि आप एक बार स्वाद को चख लो। आपने इतना भ्रमण किया, बहनों ने बहुत समय के दिए हैं, पाठ किया है, स्वाध्याय किया, वो सब अच्छा है, परंतु एक बार उसका रस तो चख लो। आज जयंत दिवाकर जी ने जो कार्य किया, झोंपड़ी से महलों तक उन्होंने जो ज्योति जगाई, आप उनके जयकारे लगाते हो, उनके जयकारे लगाने के बाद आप दिवाकर जैन क्यों नहीं बन जाते, स्वयं क्यों नहीं बनते? आप महावीर के जय जयकारे कब तक लगाते रहोगे? महावीर खुद बनो ना, अरिहंत का नाम कब तक स्मरण करते रहोगे? तुम अरिहंत खुद बनो, अरिहंत की नाम की माला फेर करके नमकार मंत्र पढ़ते पढ़ते क्या हो जाएगा? केवल तुम अरिहंत बनो, मैं अरिहंत बनू, मैं महावीर बनू, और तुम भी बन सकते हो और मैं भी बन सकता हूं। महावीर ने जो हमें चाबी दी है वो साथ लेके नहीं गए, वो सबको दे दिया। महापुरुष कभी अपने पास रखते नहीं। तुम अपने बेटे को चाबी दोगे फैक्ट्री की, वो बेटे तक सीमित रह जाओगे। महावीर तो सबके सबको दे दिया, सबको लुटा दिया। तो क्या तुम, मैं आपसे पूछता हूं, 6 घंटे का समय नहीं दोगे? 6 घंटे के ध्यान में क्या होगा वो हम आपको बता सकते हैं कि उसमें आपको परिचय मिलेगा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। 3 प्रकार के ध्यान होंगे, सोहम कोहम मैं मेरा, और योग निद्रा या आलोचना होगी, और 6 घंटे में आपका जीवन में रूपांतरण हो जाएगा, एक बेस तैयार हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपको 4 दिन का समय, कभी भी आपको मौका मिले कर दीजिए, और उस जो आप कैसेट भी सुनोगे तो कैसी वाणी अरिहंत परमात्मा की आपको मिलेगी, वो वितराग साधिका निशा जी के माध्यम से, उस साधिका की जब वाणी सुनोगे तो आप अनुभव करोगे कि वाणी कहाँ से आ रही है। ऐसी गहरी साधना का प्रयोग आपने आज तक सुना नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, आपके जीवन का रूपांतरण करती है। उस साधना को जो मैं कहता हूं, मेरी बात मत मानना, परंतु स्वयं प्रयोग करके देख लेना। मिश्री मीठी है, मैं कहता हूं मीठी है, पर जब तक तुम खाओगे नहीं तुम्हें स्वाद कैसा पता लगेगा? तुम एक बार खा के तो देख लो, एक बार मिश्री की डली है, एक बार नमक की डली है, दोनों का रंग सफेद है, तो खा के देख लोगे मिश्री की डली है, नमकीन की डली है, नमकीन की डली छोड़ दोगे, मिश्री खा लोगे? ऐसे एक बार आप खा के तो देख लो। और जो मुनि जी ने अभी आपको कहा है, यदि आप शिवर से गुजर जाओगे तो आपका कर्ता भाव धीरे धीरे समाप्त होता चला जाएगा। मैं कर रहा हूं, मैं दान दे रहा हूं, मैं तप कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर आपके जीवन में क्या होगा कि मुझे ये सौभाग्य मिला करने का, ये मुझे सौभाग्य मिला। यदि आप सौभाग्य मान के करोगे तो आपके भीतर अनंत पुण्य अनुबंधी पुण्य का बंध होगा और कर्मों की निजरा होगी। यदि आपने बोझ मन के किया तो पुण्य तो मिल जाएगा परंतु आप दुखी हो जाओगे। तो ये साधना सौभाग्य की है, समृद्धि की है, ज्ञान की है, शांति की है, आनंद की है, प्रेम की है, मैत्री की है। तो बरसों बरसों तक आपने माला की समय की, अच्छा है, परंतु वो आनंद शांति वो कहाँ से आएगा? एक बार उस धारा से गुजर जाओ, केवल 6 घंटे के लिए गुजर जाओ, फिर आपको अच्छा ना लगे तो मत आना, अच्छा लगे तो आओगे। और आज तक एक व्यक्ति भी नहीं आया कि जिसने उस साधना का आनंद ना लिया। और वो साधना मेरी नहीं है, मैं अपने आप को नहीं कहता कि मैं करवा रहा हूं, तो अरिहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा से वो साधना आ रही है, शासन देवों की कृपा है कि जब इनकी वाणी सुनोगे तो आपके जीवन का रूपांतरण हो जाएगा। कि ये वाणी कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, मेरी बात पर विश्वास मत करना, पर अनुभव करके देख लेना, करके देख लेना आप। हमें मानव का जीवन मिला, धर्म मिला, महावीर का दृष्टि हमें नहीं मिली, जो महावीर ने हमें आत्म दृष्टि दी है, जो महावीर ने हमें ज्ञान दिया है, जो महावीर की मैत्री की भावना है, जो महावीर ने करुणा और मैत्री का पूरे विश्व में चले जाइए उसकी ज़रूरत है, और आप और हम सबको ज़रूरत है। इस महावीर की मैत्री को हम घर घर में पहुँचाएँ
और प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें। जिसको भोजन नहीं उसको भोजन मिले, जिसको वस्त्र नहीं उसको वस्त्र मिले, जिसको स्थान नहीं उसको स्थान मिले, और आप अपने लिए जो कुछ कर सके करें। मैं बहनों को कहूँगा, बहनें भोजन बनाती, एक मुट्ठी अन्न अगर अलग निकाल दें, दोनों समय भोजन बनाते समय, चाहे आपके पास चावल है, मूंग है, आटा, अलग रख दें एक मुट्ठी अन्न, और इकट्ठा करके पीपे में भर के, कितना हो जाएगा बहनों? वो गरीबों में बांटो, लंगर लगाओ, गरीबों का भला करो। जो महावीर की साधना हमारे पास है या लुप्त हो गई थी, वो मिली है, उस साधना से आप गुजरे। एक ही बात करते हैं, आप 5 दिन का हमें समय दो, आपको आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, प्रेम मिलेगा, मैत्री मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। और जो तुम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी प्राप्त नहीं कर सकते, एक बार आपको, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जाना कहाँ है, जीवन का लक्ष्य क्या, अभी पता नहीं। धन कमाया क्या, धन साथ जाएगा, धन यहीं रह जाएगा, परिवार यहीं रह जाएगा, बेटा यहीं रह जाएगा, साथ क्या लेके जाओगे? बोलो क्या साथ लेके जाओगे, क्या जाएगा? ये देह भी चली जाएगी, कितनी सुंदर हो, साएगा साथ तुम्हारी आत्मा। आत्मा पर जो आपने साधना की, पुण्य किया, स्वर्ग चले जाओगे। यदि साधना से आप कर्म निजरा होगी, और हमारे जीवन का लक्ष्य दानशील तप भावना के बाद एक ही लक्ष्य रखो कि सिद्धा सिद्धिंग मम निसंतु। महावीर ने सिद्ध गति को प्राप्त किया, हम सिद्ध गति को प्राप्त कैसे करें? एक बहन बोली, 25 साल तक मैंने समय के की प्रतिक्रमण किया, थाई तप किया, स्वाध्याय किया, परंतु ये 4 दिन की साधना में मुझे वो मिला कभी नहीं मिला। साधु साध्वी भी राजनीति में पड़ गए हैं, उनको भी राजनीति बहुत अच्छी लगती है, और अपने अपने भक्त बना लेते हैं। ये सब साधुओं को राजनीति नहीं चाहिए। हम घर बार छोड़ के आए हैं, घर बार छोड़ने के बाद भी हम आपसे लोगों से गुटबंदी करें, मेरा श्रावक तेरा श्रावक, मेरी परंपरा तेरी परंपरा, तू मेरा ध्यान रखना, तू मैं तो आपका ध्यान रखूंगा, किसका ध्यान रखना है? कौन तुम्हारा ध्यान रखोगा? तुम अपना ध्यान खुद रखो, किसी को ध्यान रखने की जरूरत नहीं। स्वयं के आइए, भीतर आइए, कि जब हमने घर बार छोड़ा था साधु साधुओं ने, क्या था हमारे पास? सब छोड़ दिया था, जो भी परिवार था, धन था, पद था। आने के बाद फिर वही बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, भक्त बन रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ना बनो, परंतु अहंकार का पोषण क्यों किया जाता? मेरे नाम से ये हो रहा है, उसके नाम से ये हो रहा है, आत्मा तो कर रहा ही नहीं। तुमने दान दिया, तुम दान देने वाले हो कौन? क्या साथ लाए थे, क्या लेके जाओगे? जब आए थे 1.5 किलो की खोपड़ी तुम्हारे पास थी, मक्खी मच्छर को उड़ा नहीं सकते। जो तुमने कमाया पुण्य से कमाया, अब दे दोगे तो पुण्य और बन जाएगा। और महावीर की साधना कहती है, पुण्य भी नहीं चाहिए, पाप भी नहीं चाहिए, कर्म नजरा चाहिए। अक्सर पुण्य भी छोड़ना पड़ेगा, चक्रवर्ती का पद भी छूट जाएगा, 26 देवलोकों को भी छोड़ना पड़ेगा। और एक सिद्धशिला है जो महावीर ने हमें कहा कि तुम सिद्धशिला में इस साधना को लेकर जा सकते हो। महावीर की साधना, महावीर की समय, महावीर का प्रतिक्रमण, महावीर का ज्ञान, महावीर की दृष्टि, महावीर का तप हम जीवन में लाएं तो जीवन धन्य धन्य हो सकता है, हम सब आगे बढ़ सकते हैं। तो बस आवश्यकता है केवल आप थोड़ी सी जागरूकता की रखिए। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, सिर के सिरे से पांव की अंगूठी तक, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, देह में हूं पर देह से भिन्न हूं। जन्म से लेकर अभी तक आपने कितना धन कमाया, पद पाया, प्रतिष्ठा प्राप्त की, क्या वो साथ जाएगा? जरा विचार कीजिए। तुम अकेले थे, अकेले हो, अकेले ही रहोगे। इस सत्य को आत्मसात कीजिए।
केवल आते जाते श्वास को जाने और देखें, कोई प्रतिक्रिया ना करें। प्रतिक्रिया करना आत्मा का धर्म नहीं, ये देह का धर्म है। तुम देह नहीं, संबंध नहीं, तुम केवल केवल आत्मा हो, केवल आत्मा। इसका एहसास कीजिए। आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं, सुख नहीं, दुख नहीं। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं हो, तुम केवल आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। बाकी सब छोड़ दीजिए, शांत मौन, गहरे मौन में चले जाएं। अपने भीतर की शांति का अनुभव करें। शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है, प्रेम कहाँ है, मैत्री कहाँ है, क्या बाहर है, भीतर है? भगवान महावीर 12.5 वर्ष तक मौन रहे, ध्यान किया। क्या हमें ध्यान की आवश्यकता नहीं है? क्या महावीर के मौन और ध्यान के बिना हम शांत हो सकते हैं? पूछो अपने आप से। महावीर ने एक ही लक्ष्य चुना था, किसी जन्म में मुझे सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना, वो हो गए। आप अपने जीवन का लक्ष्य चुने, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? डूब जाएं अपने भीतर गहरे गहरे गहरे। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और कृतज्ञता का भाव। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो जयानंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिठम, अहिंसा संयमो तब देवावितंग, नमं संति जस धम्म श्या मनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरणे दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भवे प्राणी करे आचरण उसका अजर। बता दिया, नहीं बताना।